Hey, what is up guys? Welcome back another gameplay video. तो दोस्तों आज हुआ क्या है, चलो शुरू से बताऊँ. मैं एक्चुअली अभी मैं थोड़ी देर पहले अपने चैनल के स्टैट्स चेक कर रहा था एंड आई गॉट टू नो कि मेरे जो एज के मतलब मेरे चैनल पे जो मोस्टली लोग व्यूअर्स हैं भाई वो 18 to 22 एज के हैं. इसका मतलब तुम लोगों ने कभी ना कभी भाई हिस्ट्री पढ़ी होगी. मैंने भी पढ़ी है बट बहुत पहले, क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड का हूँ. तो भाई मुझे एग्जैक्टली तो नहीं याद, बट हमने कुछ ऐसा पढ़ा था स्टोन एज, मिडिल एज, मिड एज, ओल्ड एज, ऐसा कुछ पढ़ा था. तो भाई मैं सोच रहा हूँ अपना अभी अपन लोग जी रहे हैं भाई स्टोन एज के अंदर, मतलब सब चीज़ भाई अपनी स्टोन की है. तो मैं सोच रहा हूँ उसको अपग्रेड करते हैं और आयरन एज के अंदर पहुँचते हैं, समझ रहे हो. अब आयरन एज के अंदर कैसे पहुँचेंगे, उसके लिए गाइज हमको बनाना होगा आयरन फार्म. तो आज की वीडियो में गाइज हम लोग बनाने जा रहे हैं आयरन फार्म. तो भैया फटाफट से बैठ जाओ, सीट बेल्ट बांध लो और स्टार्ट करते हैं गाइज वीडियो को. फॉर्म बनाने के लिए गाइस तुम लोगों को पहले एक बहुत ही प्लेन एरिया चाहिए होगा, मतलब सिंपल स्ट्रेट प्लेन एरिया चाहिए होगा. तो गाइस मैंने सोचा कि मैं जो फॉर्म बनाने वाला हूँ वो अपने घर के बाहर बना रहा हूँ. तुम लोग चाहो तो अंदर बना सकते हो बट मैं बाहर बना रहा हूँ यार. तुम लोग भी सोच मतलब अपने अपने अकॉर्डिंगली भाई कर लेना, ठीक है. मैं बाहर बनाने वाला हूँ तो फटाफट से मैंने पूरा एरिया यहाँ पे साफ कर दिया है. तुम लोग आयरन फार्म को नीचे नहीं बना सकते, लाइक तुमको थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा. तो मैं अभी पूरा सारे डर्ट इकट्ठा करके मतलब फिर तुमसे मिलता हूँ. सो गाइस अभी पूरा मैंने डर्ट वर्ट इकट्ठा कर लिया है एंड पूरा प्लेन एरिया कर लिया है. अब मैं जा रहा हूँ ऐसे 27 ब्लॉक हवा में, मतलब ऊपर तुमको जाना है, ठीक है. क्योंकि नीचे मतलब नीचे भी वर्क कर जाएगा तुम्हारा आयरन फार्म बट यार थोड़ा स्लो वर्क करेगा. हम लोगों को चाहिए भाई एफिशिएंसी, ठीक है. तो एफिशिएंटली वर्क करे वो, इसलिए थोड़ा सा तुम्हें ऊपर जाना पड़ेगा. 27 ब्लॉक एनफ है, मतलब ठीक है 27 जा सकते हो ऊपर, ठीक है. हम लोग ऊपर मेरे ख्याल से 27 काउंट कर ले, 27 हो चुके हैं. अब यहाँ पे ओके, तो मुझे यहाँ पे आके मुझे नीचे लेटर लगानी है. तो लेटर लगाने के लिए मेरे को एक काम करते हैं भाई, नीचे पहुँचते हैं यहाँ से एंड एक ट्रिक यूज़ कर रहा हूँ मैं ऐसे नीचे जाने के लिए. ये देखो भाई बहुत शानदार ट्रिक है, ये इसके अंदर घुसे एंड ये लो भाई अपनी ऑटोमेटिक लिफ्ट यहाँ पे. अब इसको हम हर बार तो यूज़ कर नहीं सकते भाई, तो फिर अपनी थोड़ी कंपेटिबिलिटी होनी चाहिए भाई, इसलिए यहाँ पे लगा देते हैं भाई लेटर. तो चलते हैं यार ऊपर फटाफट से. तो ये हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे एंड अभी भाई इनिशियल फेज में ये हम लोग अभी शुरू कर रहे हैं. तुम लोगों को अगर ट्यूटोरियल वीडियो चाहिए हो तो भाई ट्यूटोरियल वीडियो तुम यूट्यूब पे तो बहुत सारे मिल जाएंगे, बट फिर भी अगर तुमको मेरा जैसा ही फॉर्म बनाना है एकदम एक्जैक्टली मेरे जैसे तो गाइस स्लो करके देख लेना, क्योंकि मैं वीडियो अगर स्लो करके तुमको समझाते समझाते बनाऊंगा ना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी. तो इसलिए गाइस मैं तुमको वीडियो समझाने नहीं वाला, मैं फास्ट मोशन में करके तुमको थोड़ी सी मतलब ऐसे चखा दूंगा और पूरा सर्वाइवल मोड में बना रहा हूँ, इसलिए बैकग्राउंड में कुछ नहीं करने वाला गाइस, पूरी वीडियो दिखा रहा हूँ. इसलिए शायद मे भी वीडियो आज की थोड़ी सी लंबी हो जाए, तो तुम लोग पूरी वीडियो कंप्लीटली देखना गाइस. अगर तुम लोग पूरी वीडियो नहीं देखोगे ना भाई सच बता रहा हूँ भाई फिर वेस्ट हो जाएगा पूरा. तो इसलिए पूरी वीडियो तमीज से देखना. तो अभी मेरे को याद आया भाई मेरे को चाहिए ग्लास, क्योंकि उसके अंदर मोस्टली ग्लास यूज होंगे ऊपर की तरफ. तो भाई ग्लास के लिए मुझे चाहिए सैंड और सैंड को भाई हमें फर्नेस करना पड़ेगा. तो एक काम करते हैं मैं सैंड लेके सबसे पहले फर्नेस में रखा था, क्योंकि भाई सैंड को टाइम भी लगेगा फर्नेस होने में, ग्लास बनने में. तो भाई पैरेलल में काम करना चाहिए भाई, एफिशिएंसी बढ़ानी है भाई. तुमको कुछ भी करना भाई एफिशिएंटली वर्क करो, समझ लो. ओके गाइस इसी को बोलते हैं अपना आईक्यू 100% यूज कर लेना, जो कि हम हमेशा करते हैं यार. तुम लोग अपने गेम प्ले देखते हो तो हमेशा हम लोग हमेशा करते हैं, ठीक है. और नहीं देखते तो जाके सीरीज देखो यार, माइनक्राफ्ट की सीरीज देखो यार जाके, पूरी सीरीज पड़ी हुई है. लास्ट में तुमको लिंक मिल जाएगा, ऊपर आई बटन में भी लिंक मिल जाएगा. ओके तो अभी फटाफट से मैंने मेरे ख्याल से काफी यहाँ पे यूज कर लिया सामान. बाकी यार देखो वेस्ट नहीं करना चाहिए मटेरियल, जो भी वेस्ट मतलब जो भी यहाँ पे डर्ट वगैरह निकल गई है सैंड वगैरह, एटलीस्ट वो हम लोग ले लेते हैं यहाँ से. तो नीचे मेरे ख्याल से मेरे को और दिख रही है, ये भी ले लेते हैं, क्योंकि भाई कमी नहीं पड़नी चाहिए. अगर एक्स्ट्रा बन गया तो भाई हम लोग रख लेंगे, बट लेकिन कमी नहीं पड़नी चाहिए, फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा हमें, और ज़्यादा टाइम लगेगा. लेकिन मुझे लग रहा है मैंने काफ़ी यूज़ कर लिया मेरा 60. ओ भाई तू कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आ गया? ओ भाई विलेजर हूँ तो मैंने नीचे बंद, अबे अंदर भी आ गया भाई, वाह कमो यार. चल कोई नहीं भाई, तेरा भी घर है तू भी मज़े ले. तो एक काम करते हैं भाई, अब इसके अंदर मैंने फर्नेस के अंदर यहाँ पे सब कुछ रख देता हूँ. ये मैंने यहाँ रखे, ये मैंने यहाँ रखे एंड ये मैंने यहाँ रखे. तो अप्रोक्स शायद 80 समथिंग कुछ हो चुके हैं यहाँ पे एंड अब मैं जब तक वेट कर रहा हूँ तो तब तक एक काम करते हैं गाइस, मैं यहाँ पे ना पहले तो खा पेट मुझे उसके बाद ओके. तो अब मैं एक काम करता हूँ गाइस, यहाँ से नेम टैग वेम टैग लेता हूँ मतलब, और यहाँ से और एक नाम किसी का रख देता हूँ गाइस. तो जब तक के लिए बोर हो गए हैं तो मैं सोच रहा हूँ यार जोरावर नाम कैसा रहेगा, लाइक जोरावर. इसको अभी हम देंगे नहीं, मतलब अभी तो मैं ऐसे ही रख ले रहा हूँ, बना ले रहा हूँ, लेकिन हम दे देंगे किसी को. अभी तो मैं फिलहाल ऐसे ही अभी रहता हूँ.
ओके तो भाई मेरे ख्याल से अभी मैं एक काम करता हूँ जी, मुझे एक प्लान आया, मैं एक काम करता हूँ चेस्ट बना के जितना भी मेरा सामान है, मतलब बहुत सारा सामान लेके घूम रहा हूँ भाई, मैं इतना भारी सामान लेके मुझसे चला भी नहीं जा रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ इस यहाँ पर चेस्ट रखता हूँ अपने एकदम इसके नीचे अड्डे के नीचे। ओ भाई मुर्गी क्या कर रही है यहाँ पे, और यहाँ पे सारा सामान जो भी मेरे को यूज़ होने वाला भाई यहाँ पर रख देता हूँ, जो भी मेरा सामान मैं यूज़ करूँगा आगे। ये नहीं भाई, गलती से मुर्गी, सॉरी। ओके 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 ओके, ये भाई ये लो भाई, और ये भी रख देता हूँ, एंड इसके तो भाई नीचे काम पड़ेगा। मेरे ख्याल से मैंने सारा सामान यहाँ पे रख दिया है, अब मेरे को थोड़ा सामान मतलब थोड़ा हल्का हल्का महसूस हो रहा है गाइस, तो अब चलते हैं फटाफट से अंदर मेरे ख्याल से मेरा सामान अंदर। एक चीज़ और गाइस, मैं सोच रहा हूँ यहाँ की जो फार्मिंग है भाई वो भी कर लेते हैं, क्योंकि मेरे को बहुत सारा खाने की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि हम लोग विलेजर्स को ऊपर ले जाएंगे एंड वो लोग थक जाएंगे, बाकी नीचे वाले बंदे भी भूखे हैं, तुमको पता है भाई हम कितने अच्छे बंदे हैं, लाइक हमको फिक्र रहती है, हम तो भाई चिकन खाते रहते हैं, लेकिन नीचे वाले बंदे भूखे होंगे समझ लो, तो उनको भी भाई हम लोगों को खाना टाइम टाइम पे देना है, क्योंकि एज अ ग्रैंडपा एंड एज अ फादर हम लोगों को अपनी ड्यूटी पूरी निभानी है, समझ रहे हो तुम लोग, तो भाई हम लोग अपने एज अ फादर अच्छा रोल निभाएंगे एंड एज अ ग्रैंडपा हम लोग अपना फर्ज निभाएंगे, तो इसलिए भाई हमें फार्मिंग करनी पड़ रही है। अभी तो भाई फार्मिंग दो तीन दिन की बात और है भाई, इसके बाद मेरा अगला जो सीन है भाई फार्मिंग मतलब ऑटोमेटिक फार्म ही बनाना है मेरे को लास्ट। अभी मेरा ये जो है अभी आयरन फार्म बना रहे हैं अपन लोग, इसके बाद हम लोग बनाएंगे भाई लोग ऑटोमेटिक फार्म, बीट फार्म, मतलब सारे फार्म होगा ऑटोमेटिक, सारी चीज़ें हम लोग उसके अंदर उगाया करेंगे। तो फटाफट से गाइस थोड़ी सी वीडियो फास्ट करके तुम लोग को दिखा देता हूँ यहाँ पे, जैसे कि तुम लोग भी बोर ना हो, तो मेरे ख्याल से भाई यहाँ पे काम ना हो चुका। तो गाइस यहाँ से अब मैं ये ग्लास ले लेता हूँ, ओके तो मैंने काफ़ी ग्लास यहाँ से ले चुके हैं, और अब भाई निकलते हैं यहाँ से ऊपर के साइड। एक चीज़ और गाइस, मेरे को ऊपर से नीचे में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे गड्ढा बना देता हूँ और उसके अंदर पानी भर देंगे हम लोग, जिससे कि मेरे को नीचे आने में थोड़ा टाइम कम लगे, समझ रहे हो तुम लोग। IQ यार, तुमको भाई IQ देखने को बहुत मिलेगा भाई वीडियो के अंदर, IQ यूज़ करते रहा करो भाई अपनी भी, समझ रहे हो। ओके तो एक काम करता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ, कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया, लेकिन चिंता मत करो तुम लोग, ये पूरा अब स्विमिंग पूल बन चुका है, मतलब इस पर अब इन्फिनिटी वाटर हो चुका है, ख़त्म नहीं होगा भाई कभी ज़िंदगी में पानी। तो अब इसको हम लोग ये यहाँ से मैं इसको कवर कर देता हूँ, जिससे कि पानी बाहर ना निकले। ओके नीचे तक ये ठीक है मेरे ख्याल से, ऊपर तक ज़्यादा ठीक नहीं है, समझ लो नीचे तक ही ठीक है पानी। ओके तो अब निकलते हैं यहाँ से, इसको कम्प्लीटली फिल करके यहाँ से। ओके तो मेरे ख्याल से मुर्गी मेरा वेट कर रही है भाई अकेले यहाँ पे, इसको क्या हुआ भाई, चला जा तू भी आ जा, इसको ऊपर लेके चलते हैं गाइस अपने साथ में, ये वहाँ पे थोड़ा हमारा काम हम देखेगी, बाकी हम लोग अपना काम करेंगे कंस्ट्रक्शन का। तो अभी गाइस मेरे ख्याल से वीडियो ऊपर, अब मैं जाके थोड़ी सी वीडियो फास्ट मोशन में प्ले कर दूंगा, जैसे कि तुम लोग को वीडियो बोरिंग ना लगे। ओके तो मिलते हैं गाइस थोड़ी देर बाद।
2000 years later. तो अभी गाइस मैंने पूरे एरिया में ट्रैक वगैरह बिछा दिया है एंड मतलब रेल वगैरह पूरी कार वगैरह सब कुछ कर दिया है. एक सेकंड तुम लोगों को दिखाता हूँ एंड यहाँ पर मैं कार्ट लेकर आ गया हूँ जिससे कि इन बंदों को यहाँ से बिठा के ऊपर ले जा पाऊँ. ओ भाई उधर नहीं जाना भाई, क्या क्या ड्राइवर बनेगा भाई, तू उधर नहीं जाना, इधर जाना है. रुक जा भाई, चल भाई, ओके बढ़िया बढ़िया बढ़िया, चलो भाई ऊपर चलो. अरे चल जा भाई, कम ऑन ऊपर चल. अरे भाई नीचे नहीं यार, नीचे नहीं जाना है यार, बहुत मुश्किल है भाई यहाँ से इन लोगों को ऊपर ले जाना. अच्छी बात है मैंने इसको ज़्यादा नीचे तक निकाला, कि अगर ज़्यादा नीचे होता ना भाई तो फिर तो भाई और ही मुश्किल होता. भाई कहाँ यार उल्टा जा रहा है भाई ये, मतलब क्यों भाई इतना उल्टा जाने की क्या पड़ी हुई है. चल सीधे चल भाई, बाकी बंदों को पता ही नहीं भाई, बाकी बंदे सो रहे हैं, इनका एक बंदा गायब हो जाएगा. उठेंगे और देखेंगे भाई एक बंदा गायब है बेचारे. लेकिन कोई बात नहीं भाई, इस बंदे को भी हम लोग अच्छे काम के लिए ले जा रहे हैं, ये बंदा हमारी हेल्प करेगा आयरन फार्म बनाने के लिए. तो चलो भाई जल्दी चलो भाई, जल्दी चलो फटाफट से ऊपर पहुंचा. तो गाइस यहाँ पर मैंने स्टेयर्स वगैरह बना दिए, मैंने बैकग्राउंड पीछे मतलब ये काम कर दिया था, रिकॉर्डिंग करना मतलब पता नहीं मिस कैसे हो गई. लेकिन गाइस मैंने इसमें सिंपल ये भाई मैंने थोड़ी सी मतलब डर्ट यूज़ करी हुई है यहाँ पे एंड उसके बाद मैंने रेल कुछ पावर रेल यूज़ करी नीचे, बाकी कुछ रेल यूज़ करी एंड सिंपली मैंने बना दिया. बहुत ज़्यादा सिंपल है, कुछ ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसके अंदर. और भाई नीचे, अरे भाई ओ शिट 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 शिट, ओ नो यार ये फिर से नीचे पहुंच जाएगा. अरे रुक जा भाई, अरे यार फिर से रुक जाओ, ओ शिट 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 शिट, अरे यार ये क्या भाई, बहुत ज्यादा पसंद है नीचे आना. मतलब भाई इस बंदे से ब्रेक नहीं मारी गई ना, कूदा गया भाई. क्या यार क्या यार, चलो कोई नहीं यार दोबारा करते हैं. चलो भाई पहुंचो भाई, दोबारा पहुंच जाओ ऊपर. कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन ब्रो, इसको मेरे को ऊपर जाके धक्का मारना होगा शायद मेरे ख्याल से. अबे भाई ओ शिट, अरे ओ शिट यार, रुक जा भाई रुक जा, मुझे दोबारा नहीं दोबारा नहीं दोबारा नहीं दोबारा नहीं दोबारा नहीं, नो 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 शिट शिट शिट. अरे यार मुझे कुछ ना कुछ नया कुछ करना ही पड़ेगा. तुम लोगों को पता है हम लोगों को अपना धर्म मतलब अपना जो एकदम बेस्ट वाला वो यूज़ करना पड़ेगा, जो कि है भाई अपना आईक्यू. तो हम लोगों को अपना आईक्यू यूज़ करना ही पड़ेगा. ओके तो 100 आईक्यू की बारी आ चुकी है गाइस. तो चलते हैं फटाफट से ऊपर एंड थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस करने वाले हैं हम लोग. जो मैंने नीचे एकदम पावर ड्रिल नीचे लगा रखी ना गाइस, तो मैं काम करता हूँ इसको थोड़ा सा तोड़ के ना, इसको थोड़ा सा रेनोवेट करते हैं. मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हम लोग, तो थोड़ा सा अपनी इंजीनियरिंग यहाँ पे स्किल्स यूज़ करते हैं और ऊपर की तरफ थोड़ा सा इसको बनाते हैं. मतलब मैं क्या सोच रहा हूँ, थोड़ा सा पावर जो ट्रेन है पावर रेल जो होती है ना भाई, थोड़ा सा पुश कर देते हैं. तो मैंने एकदम नीचे इसको लगा रखा है, तो जब भी जितनी भी उसको फोर्स मिलेगी नीचे से मिलेगी तो इतना ऊपर तक पुश कर नहीं पा रही है. तो मैं सोच रहा हूँ भाई थोड़ा थोड़ा अगर हम बीच में नॉर्मल सिंपल यूज़ करें और बीच में पावर्ड फिर सिंपल फिर पावर्ड फिर सिंपल, तो क्या होगा भाई ट्रेन धीरे धीरे करके ऊपर पहुँचती रहेगी और फाइनली एकदम ऊपर पहुँच जाएगी. समझ रहे हो तुम लोग, दिमाग ये होता है दिमाग, समझ रहे हो. अब फटाफट से भाई काम करता हूँ, ये पूरा काम प्रोसेस कंप्लीट करता हूँ, उसका तुमसे मिलता हूँ गाइस मैं. तो मैं दो दो ब्लॉक छोड़ के यहाँ पे लगा रहा हूँ एंड ये पावर ट्रेन लगाई मैंने अभी, तो मैंने दो तीन ये लगाए और यहाँ पे मैंने एक पावर ट्रेन लगाई, पावर ट्रेन लगाई. ओके ओके गाइस, तो मेरे ख्याल से एक यहाँ पे रह गई है एंड ये शायद यहाँ पर है, तो इनको पट्टे पहले मारना पड़ेगा. भाई निकल भाई यहाँ से, निकल जा भाई, निकल निकल निकल, हट भाई हट, अरे मुझे मारने आएगा, निकल यहाँ से. ओके तो ये रही भाई मिल गई, चलो चलो भाई मिल चुके हैं यहाँ पे. अब फटाफट से यहाँ से ऊपर चलते हैं हम लोग. ये ला, थैंक यू सो मच गाइस, तुम लोगों का प्यार और सपोर्ट यही है गाइस जिसकी वजह से मैं इतनी मेहनत कर पाता हूँ. ठीक है तो अब बारी आ चुकी है भाई इस बंदे की ले जाने की. चल भाई फटाफट चल भाई, आप एक काम कर भाई, ऊपर पहुँच जाइए भाई, ना टकपंती मत काट दियो भाई. सही बता रहा हूँ भाई, बहुत मारूंगा मैं, सही बता रहा हूँ भाई. चलो भाई बंदा जा तो बहुत फास्टली रहा है एंड देखना बस ये है भाई बंदा नीचे न गिर जाए, मतलब भाई सच में भाई दिमाग खराब हो जाएगा. ओके पहुँच जाओ भाई, पहुँच जा कम ऑन. शिट भाई मैंने थोड़ा सा नीचे यूज किया है एंड तू भाई रुक जा. ओके थैंक गॉड, चलो बंदा रुक तो गया भाई यहाँ पे. काम करता हूँ मैं पहले यहाँ पे भाई, रिस्क नहीं लेने का भाई बिल्कुल भी मेरे को, तो मैं ब्लॉक लगाता हूँ जिससे कि रुक जाए. अब एक काम करते भाई, हाँ भाई ऐसे क्या देख रहा है, अब एक काम करते हैं यहाँ से ऊपर चलते हैं एंड यहाँ तक ट्रेन मेरी पहुँच नहीं पाई थी, तो इसको थोड़ा सा हम लोग नीचे ले आते हैं गाइस एंड इसको भी मुझे यहाँ पे नीचे लाना पड़ेगा. यहाँ लगाना है इसको, यहाँ लगाना है सुपर ट्रेन को. ओके पावर ट्रेन को, तो चलो भाई अब पहुँच गए भाई, कम ऑन. तो पहुँच गया बंदा, अबे ऊपर वाला रह गया भाई यार. चलो कोई नहीं है भाई, लेकिन मेरे ख्याल से ये वाला प्रोसेस मेरा काम कर रहा है, लाइक वी आर वर्किंग यार. और वैसे भी तुमको इटरेशन तो करनी पड़ेगी भाई, समझ लो
तुम लोग को चेंजेस करने पड़ेंगे यहाँ पे। एक बार में कोई बंदा परफेक्ट नहीं होता, बट तुम लोग अगर हार्ड वर्क करते रहोगे तो तुम लोग जरूर एक दिन सक्सेसफुल जरूर होगे। समझ गया, मुझसे मोटिवेट हुआ करो गाइस, और अपने आप को भी मोटिवेट रखा करो और ऐसी जिंदगी में आगे बढ़ते रहा करो। बाबा रणछोड़ दास ने कहा ऐसा। ओके तो गाइस हम लोग बस दो स्टेप दूर है, लेकिन यार ऐसे बहुत टाइम लग रहा है मेरे को, तो मैं एक काम करता हूँ गाइस, थोड़ी सी मेरे पास और पावर ट्रेन बची हुई है, मैं पहले भूल गया था, मेरे को अभी याद आया कि मेरे पास थोड़ी सी पावर ट्रेन और बची हुई है, तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ। तो मेरे ख्याल से ये यहाँ नहीं है, शायद यहाँ, ओके यहाँ रखी हुई भाई मेरी। तो अभी गाइस इनको लेके चलते हैं एंड इनको यहाँ पे लगा देते हैं। बट भाई हट जा, मैंने यहाँ पे काफी पावर ट्रेन यूज कर लिया गाइस, और मेरे ख्याल से अब फाइनली ये पूरा वर्क कर जाना चाहिए मेरे ख्याल से। वीडियो भी गाइस काफी लंबी हो चुकी है। तुम भाई तुम आओ भाई, मेरा मत्था बहुत खराब है गाइस। किसी को भी बुला लगा गाइस, किसी को भी, मेरा मत्था बहुत खराब है भाई। इतने टाइम से भाई इटरेशन कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, भाई ऊपर ही नहीं जा रहा बंदा भाई। अरे यार कमॉन 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 कमॉन, फाइनली गाइस यस खत्म, बाय बाय टाटा गुड बाय गया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो फाइनली गाइस अपना मिशन कंप्लीट हो चुका है गाइस, हम लोग कर दिया भाई, हम लोगों ने कर दिया, फाइनली कर दिया। एंड बहुत टाइम लगा इस चीज़ को करने के लिए, बट कर दिया। तुम लोगों को पता है क्या करना है, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, तुम लोगों को पता है तुम लोगों को क्या करना है। नीचे सब्सक्राइब बटन है भाई, उसको दबा देना, और बराबर में बेल आइकन है भाई, उसको भी तोड़फोड़ कर दो, जो करना है कर दो भाई, तुम लोगों को करना है। ओके भाई मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, गुड बाय।